इसके साथ कुछ ऑमलेट ऑमलेट खा लो ना। नहीं, बेबी ऑमलेट ही खाना हो तो मैं खाना ही नहीं खा लूं। पेट दिखा के ब्लॉगिंग नहीं, ऐसा कौन ब्लॉगर होता है? हैं? अब देखो मैं करके बताता हूँ, देखो देखो सुनो ना सुनो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे, आज सुबह हो चुकी है और आज घर में मैं नहा चुका हूँ। नहाने के बाद मैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज रहे हैं 8, क्योंकि ब्लॉग ही लेट शुरू किया है। सुबह से फोन कॉल्स पे फोन कॉल्स, घर का इधर उधर 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 सबका पता करना, यही सब करती आ रही हूँ। मैंने अभी तक अपनी कॉफी तक नहीं पी हुई है। अभी अविनाश के पास बाहर आई हूँ, अविनाश से भी मिली नहीं हूँ मैं। ये रहा अविनाश। बेबी हेलो करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कर दिया मैंने, तुमने कर दिया। और आज हम दोनों का वाइट है, लेकिन तुम्हारी नहीं है ना भाई? मेरी तो पुरानी है, 6 साल पुरानी टी शर्ट पीली पड़ गई है। नहीं, किसको दिखा रही हूँ ये? इधर इनसे मिलिए, ये है, इनसे मिलिए, संभावना मिलाना चाह रही है। ये बताएगी कौन है ये, क्या हुआ? हिल गया था हाथ। हाथ तुम्हारा हिला ही रहता है। कैसी है? बहुत अच्छी लग रही। क्या लगा? बम्बी बम्बी डम्बो डुम्बू पिकाचू रायचू, खाली यही है तुम्हारे पास? बेकार लग रहा है, इतना दिन बेकार लग रहा है। क्या है ये सब? कुछ भी नहीं है नीचे। देखो नीचे कुछ भी नहीं है, सब बंद। क्या चाहिए तुम्हें नीचे? नीचे मतलब कुछ खुला होता, इंसान बाहर निकलता है, कुछ करता है ना। मैंने अपनी कॉफी, आई थिंक आई एम फीलिंग लो बिकॉज मैंने अपनी कॉफी नहीं पी है। आई एम फीलिंग लो। आज इस वाले पैकेट में से एक नया कुछ वो ट्राई करूं? क्या वांट मी टू ट्राई? कोलंबिया कॉफी। मुझे भी एक सिप देना। एक सिप दे दूंगी। ओके आओ दोस्तों। इस कॉफी के कैप्सूल्स भी कितने अच्छे हैं, पिंक पिंक से। बाकी भी सब खोल के रख देते। लेकिन आज मैं ट्राई करूंगी सबसे पहले ये वाली कॉफी, कोलंबिया। तो आप लोग देख लो, संभावना ने अपने लिए पता नहीं कौन कौन सी कोलंबिया, युगांडा, फुगांडा, नाइजीरिया कॉफी पी ली है, और मेरे को पूछा भी नहीं। एक सिप की जो बात हुई थी वो वादा तोड़ दिया गया है। तो आज इसकी सजा ये है बेबी, बाहर क्या झांक रही है? क्या हो? ऐसा लग रहा है किसी को कैद किया हुआ है, वो जानवर बाहर जाना चाह रहा है चिड़ियाघर से। ऐसा है, अब आप तुम मेरे लिए चाय बनाओगी। मैं क्यों बनाऊंगी? आज तुम बना दो ना चाय। पतली चाय पियो। अरे पतली मोटी कोई भी पिला दो अब तो। मैं भी पियूंगी। चलो दोनों प्यार भरी बातें करेंगे। हाँ हाँ, चाय और प्यार। चाय और प्यार, कम ऑन। आई थिंक शी लाइक्स इट लाइक दिस। कल कारपेंटर बुला के दरवाजा ही निकलवा देता हूँ ना, परमानेंट हो जाएगा। जिसको जो करना है खुले में करे। खुले में करो। कोई अंदर आने को तो अंदर से चिल्लाना पड़ेगा, ए ओ अंदर नहीं, ए इधर से देखता नहीं, इधर से देखता नहीं। नहीं तो हेरा फेरी की तरह गाना गाना पड़ेगा। मतलब ये है नहीं, अब सोचो ये दरवाजा है ही नहीं। हां, एंड हूएवर इज हियर इज हियर। तो जो अंदर आए घर के, और उसके पीछे एक और घुस गया। ओ सॉरी सॉरी मैम सॉरी। आई डोंट नो, शी लव्स इट लाइक दिस। पता चला एकदम गई और शी इज हैविंग बाथ इन द ओपन। तो चाय के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चाय। नहीं, पत्नी को पटाने का तरीका जिससे चाय बने। जैसे हमारी मोटी चाय कब शुरू होगी, दूध वाली मोटी चाय? मैं तो वैसे भी मोटी चाय नहीं पीती ना बेबी। ऐसा लग तो नहीं रहा बेबी, मैं पतली नहीं हो रही हूँ? हो रही हो रही। तुम इस तरह से मेरे को बोलते, मेरा पता पूरा कॉन्फिडेंस। इंसान कैसा भी हो लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं दोगे, अगर मोटिवेशन ही दोगे तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा लाइफ में? आज डाइट तोड़ के दूध वाली चाय पी लूं क्या? नहीं। क्यों बेबी? तुम वैसे भी डाइट पे। अच्छा, और अभी मुझसे मोटिवेशन मांग रही थी मोटी? मुझसे मोटिवेशन मांग के मुझे खुद डिमोटिवेट कर दिया? डू मुझसे मोटिवेशन मांग के मुझे डिमोटिवेट करती है? अब बताइल तो हरा के हम ना गोड़ लग गए ना। बेबी मेरे से तुम चाय वाय सब बनवा ले रहे हो, लेकिन जो मैं 10 साल से तुमसे रिंग मांग रही हूँ वो तुमसे नहीं लेके दी जा रही, मुझसे सब काम कराते। तो लॉकडाउन में कहाँ से ला दूँ रिंग? जब लॉकडाउन नहीं था तब कौन सी ला के दी थी भाई? ठीक है, तुम्हारे लिए डिजिटल गोल्ड खरीद देता हूँ। अच्छा, उसके लिए लॉकडाउन नहीं है। ये डिजिटल गोल्ड क्या होता है? अरे मतलब इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल गोल्ड थ्रू अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप। जब भी आपके पास पैसे हो आप डिजिटल गोल्ड खरीद और बेच सकते हैं, वो भी लाइव मार्केट प्राइस पर 24/7 कन्वीनियंस के साथ। और ये 100% सेफ और सिक्योर होता है, और यहाँ 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड मिलता है, जो कि वॉल्ट्स में सेफ रहता है, एकदम टेंशन फ्री। मुझे नहीं पता, मुझे फिजिकल गोल्ड चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इनकी डिलीवरी भी शुरू होने वाली गोल्ड की, और तुम्हें पता है इसमें 1 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकते हैं।
और ₹1 में कैसे खरीदेंगे? इसके कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे? मेकिंग चार्जेस जीरो है बेबी, सिर्फ 3% जीएसटी देना है। वो जमाना गया जब 5-8% आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते थे। वो तो ठीक है, लेकिन अपस्टॉक्स गोल्ड से ही क्यों खरीदें? बिकॉज अपस्टॉक्स गोल्ड इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और इनके 3 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है। और सबसे अच्छी बात की इनका जो इंटरफेस है वो बहुत सिंपल और बहुत ईजी टू यूज है। मतलब ये मैं अपने आप भी खरीद सकती हूँ? अरे तुम क्या बेबी, कोई भी खरीद सकता है, सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट चाहिए, समझी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो और हो जाओ शुरू। तो ठीक है, मैं भी डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती हूँ। रिंग कब दिलाओगे? एनिवर्सरी पे, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। अभी फिलहाल चाय पिलाओ। चाय का दूध खराब हो गया है। अरे चाय तो सड़ गई। चाय का दूध फट गया है। चाय का दूध नहीं फट गया, सिर्फ दूध फट गया है भाइयों। दूध तो फट गया, चाय नहीं मिली आखिरकार। उसके बाद खाना खा के काम चला है, चाय की जगह खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब चाय चाहिए तो चाय चाहिए। चाय मिलेगी ना, अभी बनाती हूँ ना दोबारा। अभी इसको बच्चे को खाने को खिला दूँ। कुत्ते को खाना मिल गया, आदमी को चाय नहीं मिली। दीदी दूध है और क्या, दूध का पैकेट है ना। दीदी से बोल दूँ चाय बना दे। तुम ही बनाओ ना, अभी बात तो यही हुई थी ना कि तुम बनाओगी। अब एक बार तो मैंने बनाई ना, दूसरी बार उन क्या? वो जो बनाई वो पी गा मैंने, वो बनी कहाँ? पहली बात तो ये। दीदी दो चाय भी रख देना अभी। मतलब आप पहले खाना खा लो। तुम देख रहे हो अभी इनके नाटक कैंडी के, इसके अगर खाने की तरफ चले जाओ ना तो ये ऐसा बताएगी कोको को, लेकिन कोको के खाने के लिए शी इज ऑल रेडी की ठीक है मेरे साथ। देखो तो कोको के खाने में कुछ मिलाया हुआ है ना तुमने। और कोको देखो उसको कुछ नहीं कह रहा, और ये देखो उसका लेके जा रही है। और उसको ऐसा रूखा सूखा, उसको इधर रूखा सूखा खाना दे दिया ये वाला है, और कोको के में वो मिलाया हुआ है। कर क्या रही है, कर क्या रही है वो, ये देखो ना कि कोको चल हम लोग भाई बहन है, कोई बात नहीं, मिलजुल के खा लेते हैं। मेरे भोला डाकू को कुछ भी नहीं मिल रहा। भोला डाकू आजा मेरा, आजा तू भी आजा, आजा आजा मेरा बच्चा, आज तेरे को भी खिला दे। मतलब कोको का खाना सब कुछ है, आजा सब मिलके खाएंगे, तीनों एक ही में मिलके खा रहे हैं। अरे वाह, मेरा भोला डाकू भी तो खाएगा ना। मैं मारूंगी तेरे को कैंडी। और जिसका खाना है वो नहीं, भी दांत दिखा रही है। किसको दांत दिखा रही है? क्योंकि ये तेरा खाना नहीं है। ओ कोको का है तो कोको को कह रही है चल बिल बांट के खा लेते हैं हम। वही तुम्हारी वाली आदत। तो जी मैं अपने वर्कआउट के लिए रेडी हो गई हूँ एकदम, और अभी मतलब और 5 मिनट में शुरू कर दूंगी। और पीछे जो एक आदमी आपको दिख रहा है उसकी कमर जा चुकी है, मेरा मजाक बनाता रहता, खुद की कमर गई। फिर मैं ना फ्लाइंग किक मार रहा था, तो मैं फ्लाई तो हुआ, लैंड कब हुआ मुझे पता नहीं चला। वो लैंडिंग गलत हो गई। थोड़ा मूव लगा दोगी कंगाली बाबा की? तो अभी तो मेरे को भी वो करना है ना, मेरे को भी एक्सरसाइज करनी है ना, बिकॉज फॉर अ फिट बॉडी यू नीड टू एक्सरसाइज। मेरी बॉडी तो बहुत फिट लग रही है। लग रही है? लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि मैं खड़ा ही हो जाऊं, वही बहुत है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे 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 चढ़ गयो पापी भी छोड़ा बिछुड़ा बिछुड़ा बिछू बिछुड़ा बिछुड़ा बिछू बिछुड़ा। अरे इतने कैबरे डांस से कहाँ गई तुम? करो ना। बिछुड़ा 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 रे डस गए। बिछुड़ा बिछुड़ा बिछू बिछुड़ा बिछुड़ा बिछू बिछुड़ा 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 रे चढ़ गए पापी बिछुड़ा। अरे डर गई, कुत्ता चढ़ गया। चलो भाई बाहर जाओ, मेरे को कर दे दो। बाहर जाऊँ? अरे मैं जाऊंगा कैसे, मुझे कोई उठाएगा तब तो। पहले मूव लगाओ बेबी, अभी मेरे को टाइम नहीं है। अरे यार पहले मूव लगाओ। तो जी मेरा वर्कआउट तो खत्म हो गया, मैं नहा के दोबारा वही चेंज कर लिया है, रात के कपड़े भी नहीं पहने हैं बिकॉज मुझे बच्चों को भी लेके जाना है नीचे। तो मेरी पीछे मेरे साथ चीटिंग हो रही है, ये चाय पी रहा है और मूंगफली खा रहा है। इधर मूंगफली डाइट के हिसाब से ज्यादा हो गई क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ओवर हो गया क्या? अब तो खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। यू आर आउट ऑफ डाइट। बस मेरे को ना डिमोटिवेट करती रहो, लेकिन मैं भी जवाब दूंगा, करारा जवाब मिलेगा। अरे कुत्ती को भी दे दो मूंगफली। अपनी ड्यूटी पूरी करके आ चुकी हैं कैंडू मामा। मामा मैं भी फटाफट चेंज करके आती हूँ, चेंज करके जरा चेंज करके आपसे मिलती हूं। इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? हां मैं जल्दी में क्यों, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। इतनी जल्दी चेंज करने भाग रहे, ऐसा लग रहा है तुमने कपड़ों में कुछ कर दिया है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे आई कैन सिट विद यू, मेरे को हाथ धोने हैं बस, इतनी बस। रात के लिए अपने लिए मेरा बिल्कुल खाने का कुछ और मूड नहीं है, तो ये मेरे पास ब्रेड है, आलमंड ब्रेड, मैं इस चीज के साथ खाऊंगी। बस एक ब्रेड में पेट भर जाएगा तुम्हारा? मेरे को खाना नहीं है, बट आई एम जस्ट हैविंग बिकॉज़ आई हैव टू हैव। तुम्हें खानी है?
नहीं नहीं मैंने खाना खा लिया। अरे तुम्हारी ब्रेड को भी अच्छी कुकिंग करवाने के लिए आई है वो देखो कैंडी। ओ अपना मिनी माउस दिखा रही हो मेरे को। अरे 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 कैंडी दब जाएगी। मम्मा की रेसिपी के लिए आया है क्या? इसके साथ कुछ ऑमलेट ऑमलेट खा लो ना। नहीं नहीं बेबी ऑमलेट ही खाना हो तो मैं खाना ही नहीं खा लूं। पेट दिखा के ब्लॉगिंग नहीं, ऐसा कौन ब्लॉगर होता है? हैं अब देखो मैं करके बताता हूँ। देखो देखो सुनो ना सुनो। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे, आज सुबह हो चुकी है और आज घर में मैं नहा चुका हूँ। नहाने के बाद मैं बेबी नेचुरल रखती हूँ मैं, मतलब व्हाइल आई एम वॉकिंग आई एम आल्सो टॉकिंग, तो नेचुरल रखना चाहिए ब्लॉगिंग को। तुम पता कायर व्लॉगर हो, पीठ दिखा के भागती हो ब्लॉग में, कायर हो तुम। एक कायर व्लॉगर, एक कायर व्लॉगर की कहानी। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए बेबी, दिल दुखता है मेरा, मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन। अच्छा हाँ दिल दुख जाता है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें पता है कि दुखता है, तुम्हें पता चलता है? हाँ ये बात पता लगती है, फिर मैं अपने दिल को समझाती हूँ कि पति हो तुम मेरे, लेकिन तुम्हें भी तो फर्ज निभाना चाहिए ना इस चीज का। ये दोस्तों हम चीज निकालेंगे और खुल के इस पे डाल देंगे। कुछ ज्यादा ही नहीं खुल गए आप, पेट भरा होना चाहिए ना। ये जितनी भी चीज है ना दोस्तों, ये इसने खत्म करी है, मैंने नहीं। खत्म कहाँ हुई है, अभी तो पूरी भरी हुई है, मतलब जितनी भी खाई है। एंड द फर्स्ट बाइट। पीठ दिखा के करो, यही एक्सप्रेशन पीठ दिखा के। अरे वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड मैम। तो जी बेबी ने ब्रेड खा ली है, मैंने टोपी को लगाई हुई रात में। मुझे क्या बताइए, तो तुम जानो ना, मत निकालो। अरे छिला हुआ मुर्गा कैसे निकला अंदर? अरे मैं ये वरदराज कैसे बन गया है? करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये क्या था? अरे वरदराज की कहानी नहीं पता? नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना ज्यादा। तो दोस्तों मेरी बेबी ने ब्रेड खा ली है और हमारा कुत्ता हमारा सर खा रहा है रो रो के, गंदी गंदी आवाजें निकाल के हाँफने की, और जैसे इसकी तरफ देखो ना इसका हाँफना बंद हो जाता है। हाँ। करना बेबी एक बार तुम हाँफना, मैं बताता हूँ तुम हाँफो। ऐसे करता है, मैं करूँ? हाँ तुम कैंडी बनो। अच्छा ऐसे कर रही है आजकल, देखते चुप हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग खत्म करते हैं अपना आज का ब्लॉग, आप लोग को मिलते हैं कल के ब्लॉग में। Till then, do like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, which is Sambhavna Seth Entertainment. Oh shit! मुझे देखना नया चश्मा बनवाना पड़ेगा शायद। तो दोस्तों जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अपस्टॉक्स गोल्ड बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज है। इसमें कुछ ही मिनट्स में आप बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं अपना फ्री अकाउंट एंड गेट ई गोल्ड वर्थ ₹51 ऑन सक्सेसफुल साइन अप। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कीजिए और अभी चालू कीजिए अपना डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तब तक हम सोते हैं और उठने के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। गुड नाइट।